बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पीएचपी के इस लेक्चर में बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस द एरेज इन पीएचपी, जो कि एरे हमने पहले जावास्क्रिप्ट में भी डिस्कस किया हुआ है और हमारे पास हमने सी लैंग्वेज में भी डिस्कस किया हुआ है। तो एरे का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमने पहले वेरिएबल पढ़ा, तो वेरिएबल क्या होता है कि एक स्टोरिंग एलिमेंट, प्लेस होल्डर, कि अगर हम लोग कोई भी वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं किसी भी लैंग्वेज में जब हम यूज़ करते हैं तो हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, जो कि हमने पीएचपी में भी बनाया डॉलर साइन देकर, वो हमारे पास था वेरिएबल। अब एरे क्या होता है, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब आप फॉर सपोज इस तरह से समझ लें कि अगर हमें किसी क्लास का रिजल्ट बनाना है ना, और वहाँ पर 50 स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे 50 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अगर स्टोर करवाना है तो क्या मैं हर एक स्टूडेंट के लिए अलग से वेरिएबल बनाऊंगी, फिर दूसरे के लिए अलग से, तीसरे के लिए अलग से? तो इस तरह से अगर 50 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे 100 एरे बनाने पड़ेंगे, 100 नेम्स देने पड़ेंगे ना। तो इसलिए उसकी जगह पर क्या हम लोग एरे यूज़ करते हैं। एरे क्या होता है कि हम लोग सिर्फ एक नाम दे देते हैं और उसमें मल्टीपल जितनी वैल्यूज़ हम लोग वहाँ पर स्टोर करवाना चाहें हम लोग वहाँ पर करवा सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग पीएचपी की बात करें, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरेज इन पीएचपी। ठीक है, कितनी टाइप्स हैं हमारे पास? 3 टाइप्स ऑफ एरे इन पीएचपी। सबसे पहला जो कि हमारे पास होता है वो तो सिंपल एरे होता है, फिर उसके बाद आ जाता है जो कि एसोसिएटिव एरे, उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो कि मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे, अब ये जो सबसे पहला वाला सिंपल एरे होता है, ये उसी तरह से जिस तरह से हम लोग बाकी लैंग्वेजेस में या जावास्क्रिप्ट में करके हैं, सिंपल हम लोग एरे बनाएंगे, उसमें मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर करवाएंगे और उसको हम लोग प्रिंट आउट करवाएंगे। अच्छा, एसोसिएटिव एरे क्या होता है कि एसोसिएटिव, अब एसोसिएटिव ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब है कि किसी चीज़ से मुंसिक करना, मीन्स कि किसी चीज़ से रिलेट करना। तो ये हम लोग जब एरे बनाएंगे ना, इसमें हम लोग हर एक वैल्यू को किसी नाम से जो है ना वो कर लेंगे, क्या कहते हैं कि रिलेट कर लेंगे भाई ये वाले। जैसे अगर हम लोग कहें कि एक क्लास का हमने रिजल्ट बनाया है, उस ओवरऑल क्लास का नाम हमने जो कि एरे का नाम दिया होगा, फॉर सपोज क्लास मैट्रिक, तो वो हमारे पास ओवरऑल एरे होगा। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट का भी नाम हम उसके साथ एसोसिएट कर लें, तो वो हम लोग हर एक वैल्यू को अलग देंगे कि भाई ये 10 इसके मार्क्स हैं और इस तरह से। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है? एरे विद इन एरे, मीन्स कि एरे के अंदर एक और एरे या एक से ज़्यादा एरे, जो कि हमारे पास मल्टी डायमेंशनल, बहुत सारे एरे। अच्छा, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक फाइल बनाई हुई है जिसको मैंने क्या किया है, htdocs फोल्डर में एरे के नाम से सेव किया है, जो कि मैंने यहाँ पर क्रोम में आकर localhost/array.php इस तरह से ओपन किया है, और यहाँ पर मैंने जैम्प को स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि जब तक ये तीनों काम हम लोग नहीं करेंगे हमारी फाइल आउटपुट नहीं दिखाएगी, जो कि रन ही नहीं होगी। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि एरे बनाते हैं। तो हमने एरे के लिए ए लिखा, ए लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे बेसिकली कि हमें इसे बताना है कि ए इक्वल्स टू, ये हमारे पास एरे है और इस एरे में हम लोग क्या क्या स्टोर करवाना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं स्टोर करवाना चाह रही हूँ भाई यहाँ पर HTML, देन फिर मैंने कहा कि कॉमा, दूसरी वैल्यू मैं स्टोर करवाना चाह रही हूँ, फिर सिंगल कोटेशन में हमने कहा कि CSS, फिर हमने कॉमा दिया, फिर हमने कहा कि तीसरी चीज़ हम लोग यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट स्टोर करवाना चाह रहे हैं। अब ये एरे बन गया जिसकी क्या हुई कि तीन वैल्यूज़ हमने स्टोर करवा ली। अब ये यहाँ पर देखते हैं कि क्या सही बन गया, लेकिन अभी तक हमने जी यहाँ पर एरर नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, हमने सही बना लिया है। लेकिन अब इसको हमने प्रिंट आउट करवाना है, तो प्रिंट आउट करवाने के लिए हम लोग, जाहिर सी बात है हमें पता है इको यूज़ होता है, जो कि हम लोग इको पीएचपी में यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, किसी भी जो है ना चीज़ को प्रिंट आउट करवाने के लिए। यहाँ पर आकर हम लोगों ने, अच्छा यहाँ पर एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन इन चैप्टर ऑन लाइन 4, अच्छा यहाँ पर हमें ये चीज़। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास कौन सी वैल्यू वहाँ पर जो कि है ना शो हो, जो कि हमें पता है एरे की इंडेक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो इस वक्त 0 ये है, 1 ये है हमारे पास, और 2 ये है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे पास जो 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट है ना, वो हमारे पास शो हो जाए। तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये देखिए, हमारे पास 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट शो हो गया।
अब अगर हम लोग चाहेंगे कि हमारे पास जावा स्क्रिप्ट शो हो तो हम लोग 1, 2, 3 नहीं बल्कि क्या लिखेंगे 0, 1, 2, क्योंकि ये HTML 0 इंडेक्स पर है, CSS फर्स्ट इंडेक्स पर है, जावा स्क्रिप्ट हमारे पास सेकेंड इंडेक्स पर है, तो इसको हम लोग 2 लिखेंगे और यहाँ पर हमारे पास हमने जावा स्क्रिप्ट। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा है, हर एक एलिमेंट को प्रिंट आउट करवाने के लिए अलग अलग से लिखना पड़ रहा है, इंडेक्स नंबर ये, इंडेक्स नंबर वो, तो हम लोग चाह रहे हैं कि सारे के सारे अगर 100 एलिमेंट्स है तो क्या हम लोग 100 टाइम्स इको लिखेंगे, 100 टाइम्स हमें वो करना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए हम लोग लूप्स यूज़ करते हैं ना, कि अगर 100 वैल्यूज़ हैं, 100 को हमने प्रिंट आउट करवाना है, तो हमारे पास यही मेथड है कि हम लोग इको करके इस तरह से ही इंडेक्स लिख सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि लूप्स में रिपीटेशन होती है, तो वहाँ पर हम लोग वो यूज़ करेंगे। अच्छा, ये था हमारे पास सिंपल एरे। अब सिंपल एरे के बाद हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग एसोसिएटिव एरे बनाएं। एसोसिएटिव एरे के लिए हम लोग यहाँ पर एक और एरे बना लेते हैं और उसको हमने क्या करना है कि एरे उसी तरह से लिखा। अब एसोसिएटिव में क्या होता है, पहले हमने नाम देना होता है कि मैं चाह रही हूँ कि फॉर सपोज एक अली स्टूडेंट है, उसके मार्क्स हैं हमारे पास, उसके लिए हम इक्वल्स टू और ये एरो बनाना है, ठीक है। ये एक तरह से इक्वल्स टू और ग्रेटर देन का साइन यहाँ पर क्या बना रहा है, एक एरो बना रहा है, मीन्स के एसोसिएटिव कर रहा है। अली के मार्क्स कितने हैं, हमने यहाँ पर बता दिए 29, फिर हमने कॉमा दे दिया, फिर हमने लिखा जो कि है हमारे पास दूसरा नाम वो है अहमद और उसके मार्क्स है हमारे पास 50, हमने यहाँ पर लिखा अहमद और उसके मार्क्स हमारे पास कितने हैं यहाँ पर, हमने 40 दे दिए। फिर उसके बाद हमने तीसरा नाम दिया, तीसरा नाम देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन एक नाम लिखेंगे, हमने यहाँ पर लिख दिया हुसैन और हमने कहा कि हुसैन के मार्क्स हैं फॉर सपोज यहाँ पर 59। अब ये हमारे पास एसोसिएटिव एरे बन गया। अच्छा, इसको यूँ कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर भी वैल्यूज़ दे देती हूँ ताकि आपको जो है ना मुश्किल ना हो समझने में कि किस तरह से एसोसिएटिव और उसमें डिफरेंस है। अच्छा, इसका तो आउटपुट पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए 33 आया है, जो कि इंडेक्स नंबर 2 पर हमारे पास 33 पड़ा है। अच्छा, अब यहाँ पर डिफरेंस देखें, ये हमारे पास सिंपल एरे है जिसमें हमने डायरेक्टली वैल्यूज दी हैं कि भाई इंडेक्स नंबर 0 पर ये स्टोर करवा लो, इंडेक्स नंबर 1 पर ये, इंडेक्स नंबर 3 पर ये। अब यहाँ पर एसोसिएटिव एरे में हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि इंडेक्स नेम दे रहे हैं। यहाँ पर इंडेक्स 0 थी, 1 थी, 2 थी, इस तरह से थी जो कि बढ़ती जाएगी, लेकिन यहाँ पर हम लोग इंडेक्स को नाम दे रहे हैं कि 0 वाले इंडेक्स का नाम अली कर दो, फिर 1 वाले इंडेक्स का नाम अहमद कर लो। अब जब जब मुझे 40 को एक्सेस करना होगा, मैं इंडेक्स नंबर 1 नहीं लिखूंगी बल्कि मैं क्या लिखूंगी, अहमद लिखूंगी। क्यों? क्योंकि अब ये 40 मार्क्स इंडेक्स से रिप्लेस होकर इस अहमद में आ गए हैं जो कि मैं इसी के थ्रू एक्सेस कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इको बी और यहाँ पर हमने लिखा हम लोग पहले देखते हैं कि क्या 2 से हमारे पास प्रिंट आउट होता है या नहीं। तो यहाँ पर हमने कहा कि AFI, ये देखें अनडिफाइंड ऑफसेट 2। अब यहाँ पर हालांकि इंडेक्स नंबर हमने 2 तो सही लिखा है, ये देखिए 0 ये है, 1 ये है, 2 ये है, तो 2 के हिसाब से आने चाहिए, लेकिन क्यों, क्योंकि हमने वहाँ पर उसको एसोसिएट कर लिया है तो वो चीज़ अब हमारे पास नहीं आ रही, तो इसलिए हमें यहाँ पर इंडेक्स का यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा, तभी हमारे पास वहाँ पर उसका आउटपुट आएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, डबल कोटेशन देनी है। हमारे पास क्या हो गया, आउटपुट आ गया है। अगर हम लोग इंडेक्स लिख रहे थे तो इंडेक्स से नहीं आ रहा था बल्कि जो उससे एसोसिएटिव नाम है तो उससे आ रहा है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव एरे हो गया। उसके बाद ये हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे, जो कि क्या होता है, एरे के अंदर एक और एरे। तो हमने यहाँ पर एक मेन एरे बता दिया कि हम लोग एक मेन एरे बना रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर क्या करना है कि हमने कहा कि यहाँ पर जो है ना हमारे पास हम लोग एक एरे के अंदर दूसरा एरे बनाना चाह रहे हैं। करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई हमारा जो एरे नंबर सी है ना, अब उसकी इंडेक्स नंबर अब डबल आएंगी। यहाँ पर क्या हम लोग सिंगल दे रहे थे ना, क्योंकि वो सिंगल डायमेंशनल था, अब डबल डायमेंशनल है। तो क्या है कि भाई इस इंडेक्स की इस इंडेक्स पर, अब ये इस तरह से बन गया कि हमारे पास, आप ये समझ लें कि हम लोग, मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए हम लोग यहाँ पर, इसको मैं बनाकर दिखाती हूँ। अगर हमने सिंगल डायमेंशनल एरे बनाया था
जिसमें एसोसिएटिव भी था और सिंपल भी था, दोनों सेम थे। वो एरे हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया कि हमने क्या करवाया, तीन वैल्यूज़ को स्टोर करवाया, तो तीन हमारे पास, ये ज़ीरो इंडेक्स, ये वन इंडेक्स, ये टू इंडेक्स। तो इजीली हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ लिख रहे थे कि भाई ये वाली जो है ना टू, तो ये सिंपली क्या कर रहा था, यहाँ पर जो वैल्यू थी उसको प्रिंट आउट करवा रहा था। अगर हमने लिखा ज़ीरो तो वो यहाँ पर आकर जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट आउट करवाएगा। अब ये मल्टी डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल किस तरह से बन गया, एरे के साथ एक और एरे बन गया। अब ये इस तरह से, अब देखिए यहाँ पर ये टेबल की शक्ल में बन गया। अब अगर मुझे यहाँ पर एक्सेस करना होगा ना, इसकी वैल्यू को एक्सेस करना होगा, तो मैं क्या करूँगी, मुझे इसकी ये कॉलम भी बताना पड़ेगा और रो नंबर भी बताना पड़ेगा कि भाई कॉलम नंबर कौन सा है और रो नंबर कौन सा है। तो कॉलम हमारे पास कौन सा है, ज़ीरो, और ये क्या होगा, वन, और इसी तरह से ये ज़ीरो होगा तो ये हमारे पास वन होगा, जो कि इंडेक्स नंबर हमारे पास। किस तरह से एरे की एक कम्प्लीट डिस्क्रिप्शन हमने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ी है, सी प्रोग्रामिंग में भी, तो वहाँ पर आप समझ लें, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से हमने इसको यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग के अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये मल्टी डायमेंशनल एरे, तो हम लोग चाह रहे हैं कि भाई अगर ये 34, 55, 44, 22 है, तो ये एक टेबल की शक्ल में बन गया है। अगर हम लोग चाह रहे हैं 22 को हम लोग आउटपुट करवाएं, तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, ये कौन से वन कॉलम के वन, उस पे जाओ हमारे पास, क्या कहते हैं कि रो भी वन हो हमारे पास और कॉलम भी वन हो, तो हम इसको F5 करवा देते हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हमने क्या करना है कि वो नाम एक ही देना है, हमने जस्ट वैल्यूज़ को बढ़ाते जाना है, ठीक है, हर एक की वैल्यूज़ को नहीं देना। हमने यहाँ पर क्या मिस्टेक की थी कि हमने इसको अलग से नाम दे दिया, नहीं 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 एक ही नाम देंगे हमारे पास यहाँ पर, फिर उसी को हम लोग यहाँ पर लेकर चलेंगे। हम तो हमने उसकी जगह नाम हमने दे दिया, तो नाम नहीं देंगे बल्कि लिखेंगे कि भाई ये एक और एरे है, जो कि उस एरे के अंदर अब हमारे पास यहाँ पर ठीक से आउटपुट आ जाएगा। अच्छा, हमने ये सी करना है, सी, ये यहाँ पर कोमा भी नहीं आएगा, ये हमारे पास आउटपुट आ गया, जो कि 22 मीन्स के इस तरह से समझ रहे हैं कि ये एक टेबल बन गई है, और इस टेबल का ये ज़ीरो कॉलम है, ये वन कॉलम है, ये ज़ीरो रो है, ये वन रो है। तो हमने कहा वन कॉलम के वन रो पर जाओ, तो वन कॉलम के वन रो ये हुआ। अगर हम लोग 44 प्रिंट आउट करवाना चाहेंगे, तो हम कहेंगे ज़ीरो कॉलम के वन रो पर जाओ, मीन्स के ज़ीरो कॉलम के वन रो पर जाओ, इस तरह से। तो अब हमारे पास क्या आउटपुट आना चाहिए, जो कि इस तरह से ज़ीरो कॉलम के हमारे पास वन रो, इस तरह से हमारे पास आउटपुट आ रहा है। तो ये थे हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ द एरेज। द फर्स्ट वन वाज सिंपल एरे, एंड द सेकंड वन वाज एसोसिएटिव एरे, इन विच वी एसोसिएटेड द वैल्यू विद द एरे नेम, एंड देन द मल्टी डायमेंशनल एरे विच वॉज द एरे विद इन एरे, जो कि हमारे पास मल्टीपल एरेज बेसिकली बन रहे। सो देट वॉज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द एरेज। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।